G7 देशों की रूस को सीधी चेतावनी सामने आई है, रूस और आगे बढ़ा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तनाव घटाने की जिम्मेदारी पूरी तरह रूस की है, ये कह दिया गया है G7 मुल्कों की तरफ से। ऐसे प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसे बैन लगाए जाएंगे कि रूस पूरी तरह से तबाहो बर्बाद हो जाएगा, ये कहा गया है G7 की तरफ से। यानी बड़ी धमकी G7 मुल्कों की रशिया को कि अगर यूक्रेन पर हमला किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे और अंजाम निश्चित तौर पर बहुत बुरा होगा, यह बताने की कोशिश G7 की तरफ से की गई है रशिया को। और त्रिपाठी साहब, ये जो वार्निंग है ये क्या काम आएगी, असर पड़ेगा कुछ? देखिए, इस वार्निंग का बहुत ज्यादा मतलब मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा, क्योंकि ये वार्निंग आएगी भी, और अगर मान लिया रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए गए तो इसके रिपरकशन जैसा कि कमर आगा साहब ने कहा है, बहुत भारी होंगे यूरोप में ही, अमेरिका के भले उतने न हो, क्योंकि अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स अमेरिका काफी रख चुका है, लेकिन यूरोप पे भारी होंगे। आपको ये बता दें कि जो इनकी नॉर्ड स्ट्रीम है, नॉर्ड स्ट्रीम 1 और 2 जो रूस से लेके जर्मनी तक जाती है, गैस सप्लाई करती है, उससे यूरोप को 157 अरब क्यूबिक मीटर गैस हर साल मिलती, जो कि बहुत ज्यादा है। और इसीलिए क्या है कि आपको याद होगा कि भी कुछ दिन पहले जब बाइडेन और शोल्ट की मुलाकात हुई थी जर्मन चांसलर की, और बाइडेन ने उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगर मौका पड़ा तो हम नॉर्ड स्ट्रीम को भी टारगेट करेंगे, तो शोल्स को बहुत बुरा लगा था क्योंकि इससे उनकी इकॉनमी चौपट हो जाएगी। और अमेरिका को जर्मनी नहीं सुहा रहा है फूटियां, क्योंकि जर्मनी इस वक्त यूरोप का सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका है, ब्रिटेन वगैरह की औकात ही नहीं उसके आगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।